नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। पीलीभीत पहुंचे भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री जल शक्ति व मध्य प्रदेश के दमोह से सांसद प्रहलाद पटेल ने सरकार की योजनाओं पर बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नदी जोड़ो अभियान के तहत केन बेतवा परियोजना में पीलीभीत की शारदा नदी को सरस्वती के माध्यम से मध्य प्रदेश की केन नदी में जोड़कर जल जीवन मिशन को बढ़ावा देने की बात कही। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आप सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने अपराध और भ्रष्टाचार किया है, इसलिए उनको पकड़ा गया है। लेकिन जो नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करते थे, वह आज भ्रष्टाचार के आरोप में खुद ही गिरफ्तार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यह देश का पहला ऐसा शिक्षा मंत्री है जो शराब घोटाले में पकड़ा गया है। वह पार्टी जो ईमानदारी और स्वच्छता की बात करती है, ये सब इसी धारा पर यहाँ तक पहुँचे हैं। पीलीभीत बहुत सुंदर प्राकृतिक जिला है, जहाँ पर जल जीवन और जंगल तीनों और जानवर सभी कुछ है। लेकिन एक सरप्लस बेसन है हमारी भाषा में, यहाँ पानी बहुत है। तो पहली प्रार्थना तो यह है कि जल जीवन मिशन में पानी की कीमत हमारे पास बहुत ज़्यादा हो, तब भी हमें करनी चाहिए। दूसरा, जो सरप्लस आपका पानी है, तो नदी जोड़ो अभियान के जो DPR बने हैं, जो योजनाएं बनी हैं भारत सरकार की, उसमें शारदा का पानी भी सरस्वती के माध्यम से आगे ले जाने की योजना है। और हमेशा अंतर्राज्यीय योजनाओं में राज्यों की सहमति चाहिए। मैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो केन बेतवा का पहला नदी जोड़ो अभियान की शुरुआत हो रही है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी को, माननीय शिवराज जी को जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें बधाई देना जल शक्ति राज्य मंत्री के नाते ज़रूरी समझता हूँ। दूसरा, महाराष्ट्र ने वेस्टर्न घाट का पानी, उसको समुद्र में जाए ना जाए और उसको डेफिसिट बेसिन नासिक की तरफ डाइवर्ट किया जाए, एक ऐसे प्रयोग है जो इस देश को आने वाले 25 साल बाद जरूरत पड़ेगी। और हमारी मांग और पूर्ति के अंतर को अगर हमें घटाना है तो इसके बारे में सबको गंभीर होना पड़ेगा। पीलीभीत की जनता से भी मैं यही आग्रह करूंगा। जी बने हुए तो उन्हें आर्थिक अपराध भ्रष्टाचार किया है, इसलिए उनका बंद होना तो जरूरी था। लेकिन मुझे लगता है कि जो नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो आज भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार करके जेल में है। ये भारत के ऐसा राज्य है, दिल्ली की सरकार, जिसके एक तिहाई मंत्री जेल में है। वो कल उच्चतम न्यायालय की फटकार के बाद एक मंत्री को तो 9 महीने बाद याद आया कि उसको इस्तीफा देना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश के सामने बड़ी बड़ी ईमानदारी की बातें की थी, और आज भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। तो मुझे लगता है कि छद्म की राजनीति, ये भ्रम की राजनीति ज़्यादा समय चलती नहीं है। जो नैतिकता की बात सोचते हैं और करते हैं, मैं उनसे जरूर कहूँगा कि ये देश का पहला शिक्षा मंत्री होगा जो शराब के भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। हम नैतिक शिक्षा या नैतिक मूल्यों को जो आघात पहुँचा रहे हैं, ये दुखदाई है, और इसलिए मुझे लगता है देश इस पर सतर्क है और देश की जनता गंभीरता से लेगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें GBN 24।